नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में और मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। हमसे जुड़ने का एक और जरिया है, आप जानते हैं, आप हमसे राबता कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल। हर रोज़ ऐसे तमाम कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आप सबके लिए ताकि बेहतर तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स और अपने चैप्टर्स को समझ सकें। तो आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं उर्दू के इस सत्र में जिसमें हमारे पास आधे घंटे का समय है, तो हम लेकर आए हैं 9वीं जमात के तलबा के लिए ये खास सत्र जिसमें हमारा सबक जो है उसका उनवान है हज अकबर। और इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मौसमुद्दीन सर। आदाब सर। आदाब, शुक्रिया बहुत बहुत बच्चों, आपका भी इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। इस्तकबाल है सर आपका भी। सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ऑफिशियल पर हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो है 8800440559। और क्योंकि 9वीं जमात के तलबा के लिए है ये खास कार्यक्रम तो dth.class9@cied.nic.in इस पर भी आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सर इसका आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज हमने ख़ास तौर पर यही सबक क्यों चुना है हमारे सभी तलबा को समझाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जैसा कि हमें इल्म है कि यह महीना जुलाई का चल रहा है जी। और आज 29 तारीख है, 29 जुलाई है और दो दिन बाद 31 जुलाई होगी। 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद की पैदाइश का दिन है, यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी 31 जुलाई को है और ये तकरीबन 142वीं बर्थ है एनिवर्सरी उनकी मनाई जाएगी, मना रहे हैं, तो उसके के लिए हमने यह प्रोग्राम चुना। चूँकि हमारे निसाब में उनकी एक अहम कहानी हज अकबर शामिल है तो इस वजह से हमें ख्याल पैदा हुआ कि प्रेमचंद को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस साल इससे बेहतर मौका शायद कोई और न मिले। तो इस कहानी के माध्यम से हम प्रेमचंद जी को भी आज फिर से याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरी अहम चीज़ इसको इंतखाब करने की एक वजह यह भी है कि इसी महीने में अभी 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को हज का ज़माना था और 8, 9, 10 तारीख को हज मुकम्मल हुआ है। चूँकि ये दोनों महीने इस एतवार से देखें कि इसी महीने में हज भी हुआ हो गया और इसी महीने में प्रेमचंद की पैदाइश भी हुई है, तो दोनों एतबार से कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात आई कि क्यों ना इस मौके पर हम प्रेमचंद की एक अहम कहानी हज अकबर को लें और उस पर बात करें। ये हमारे 9वीं क्लास के जमात में शामिल है और उसको बहुत अहम कहानी है ये। यानी आज के लिए सबसे सटीक सबक है हमारे सभी दर्शकों सभी के लिए। जी हाँ, एक तो अच्छा चूंकि ये इस्लामी साल का आखिरी महीना, इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जो ज़िलहिज कहलाता है, तो इसके बाद हमारा हो सकता है कि आज के तुम शाम से नया साल शुरू हो जाए कल से, तो इस वजह से भी चूंकि हज का देखिए इस यहाँ चूंकि कहानी का उनवान हज अकबर है तो यहाँ एक वजाहत और ज़रूरी मालूम होती है कि आम तौर पे हम हज बोलते हैं कि लोग हज करने जा रहे हैं, हज का ज़माना आ गया, हज करने फलां साहब जाएंगे, हज अकबर कोई नहीं बोलता। लेकिन हज अकबर इस मालूम में हम देखते हैं कि हज जो एक ख़ास वक्त मानी इसी महीने में ज़िलहिज की 8, 9, 10 तारीख को जो हज होता है उसे हम हज अकबर कहते हैं। इनके अलावा वो एक इस्तलाह है उमरा की, जो किसी भी वक्त कर सकते हैं किसी भी महीने में, उसकी ना तो महीने की कैद है, ना तो तारीख की कैद है, ना तो किसी वक्त की कैद है, सुबह शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं, तो उसे उमरा कहते हैं। जो उमरा का दूसरा नाम जो है वो हज असगर, असगर का मतलब होता है छोटा, यानी हज असगर उमरा को छोटा हज कहते हैं। और हज अकबर जो ख़ास महीने में होता है, ख़ास तारीख में होता है, ज़िलहिज के महीने में होता है, तो ये हज अकबर कहलाता है। हज अकबर के बारे में गलतफहमी हमारे दरमियान फैल गई है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो हज आम तौर पर जुमा के दिन पढ़े यानी फ्राइडे को पढ़े तो फ्राइडे का दिन बहुत अहम समझा जाता है, ख़ास समझा जाता है, और अगर ये उस दिन हज पढ़ता है तो उसको लोग हज अकबर कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हज अकबर जो है जो एक ख़ास तारीख में होता है और ख़ास महीने में होता है वह हज अकबर कहलाता है, और बाकी दिनों में बाकी महीने में जो हज होता है उसे उमरा कहते हैं और उसका दूसरा नाम हज असगर है। अब आइए इस कहानी पर हम बात करते हैं कि प्रेमचंद की एक अहम कहानी
नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदुस्तानी माशरे में हिंदी खासतौर से उर्दू और हिंदी जबान में लिखने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और 13 साल तक तो उन्होंने हिंदी में लिखा ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने हिंदी से वास्ता पढ़ा, हिंदी में लिखना शुरू किया। उसके पहले उनकी कहानियाँ उर्दू में ही आती थी, बाद में वो हिंदी की तरफ आए अपने। तो ये कहानी जो है हज्जा और प्रेमचंद की खूबी ये है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो है जो उनके मौजूआत रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो है उनके यहाँ अखलाकियात का भी मौजू है, फलसफियाना मौजूआत भी होते हैं। जो हमारे समाज में तसादुम है, सरमायादाराना निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है, गरीबों और मजदूरों का इस्तेसाल है और किसानों का इस्तेसाल है, इन सब को प्रेमचंद ने अपने अफसानों में अपने नावलों में जगह दी है और बहुत खूबसूरती से और कामयाबी के साथ उसे बरता है। तो उनके यहाँ मौजूआत की कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जिस मौजू को वो समझते हैं कि ये बेहतर इस पर कहानी लिखी जानी चाहिए, वो कहानी को इंतखाब करते हैं, उसका एक खूबसूरत नाम रखते हैं और फिर किस तरह कहानी वो लिखते हैं। बच्चों की नफ्सियात को उन्होंने बहुत अहम कहानियाँ लिखी हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहानी तो यही जिस पर आज हम बात करें कि हज्जी अकबर है। दूसरी उनकी एक कहानी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ईदगाह के नाम से बहुत मशहूर है। उसमें बच्चों की भी एक नफ्सियात और बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह काम करती है वहाँ पर, कि एक बच्चा जो हामिद है अपने दोस्तों के साथ, जो यतीम है, ना तो उसके माँ है ना बाप है, सिर्फ उसकी दादी है, मेले में घूमने जाता है, वो उसके पैसे भी नहीं होते, उसके जेब में 3 पैसे डाल लेते हैं। जब बच्चे उसके सब मिठाई भी खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो बच्चे का दिल कैसे मानता होगा कि हम कौन है उनके साथ है। लेकिन उसको अपनी दादी की फिक्र होती है और वो आखिर में जब आता है तो दादी के लिए एक चमटा लेकर आता है दस्तपना की रोटी। तो खैर ये हमारा मौजू दूसरा है, लेकिन इसी तरह आप देखिए गिल्ली डंडा जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो भी बहुत अच्छी कहानी है। तो उनके यहाँ बच्चों की नफ्सियात तो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। यहाँ पर जो कहानी है हज्जी अकबर, इसमें इस कहानी में 4 किरदार हैं, उन 4 किरदारों की वजाहत हम बाद में करेंगे। इसमें एक मुंशी साबिर हुसैन है, उनकी आमदनी कम है लेकिन खर्च ज़्यादा है, इसकी वजह से उनके लिए दाया रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दाया रखने की उन्होंने 3 वजूहात बताई हैं, 3 असबाब बताए हैं। नंबर एक तो ये है कि समाज में हमारी इज्जत कम ना हो, समाज में हमारी कहीं से कमी ना होने पाए, इस वजह से दाया रखना ज़रूरी समझते हैं कि ताकि बाहर हमारी एक अहमियत और हैसियत बनी रहे। दूसरी यह है कि उनका जो बच्चा नसीर है वो बहुत तकरीबन 2.5-3 साल का है, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन जब दाया घर में होती है तो दाया से बहुत घुला मिला रहता है, उससे लिपकता है, प्यार करता है, और दाया भी उससे उतना ही प्यार करती है, यानी माँ से कहीं ज़्यादा दाया बच्चे का ख्याल करती है। तो इस वजह से मुंशी साबिर हुसैन समझते हैं कि अगर हम इसको निकाल देते हैं घर से तो फिर हमारा पैसा तो बच सकता है लेकिन बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। तीसरी वजह उसको रखने की यह थी कि चूँकि साबिर हुसैन एक बहुत रहमदिल थे, नेक दिल इंसान थे, रहमदिल इंसान थे, किसी का नुकसान नहीं चाहते थे, तो ये समझते थे कि अगर हमने दाया को निकाल दिया अपने घर से तो उसके लिए रोटी रोजी का मसला हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे घर से निकलते ही उसे फ़ौरन कहीं और नौकरी मिल जाए, कोई रख ले। तो ये 3 वजूहात थी उनके साबिर हुसैन के सामने दाया को रखने की। लेकिन उनकी बेगम शाकरा, वो जो कि औरतों का जो मिजाज होता है थोड़ा शक भी करती हैं, अगर कोई घर में रखती है इस तरह की दाया को काम करने वाली हो तो बड़ी सख्त निगरानी भी होती है, काम भी ज़्यादा लेती हैं और बात बात पे टोकना, निगरानी करना वगैरह वगैरह ये सब होता है। उसको ये शक था कहीं ना कहीं ये दाया जो है रखा गया है, रखा है हमने, ये कहीं ना कहीं हमें लूटे लेती है, छुपा के चीज़ों का रख देती है, बाज़ार से लाती है तो दहलीज में छुपी हुई देखती रहती है कि कहीं आटा तो कुछ छुपा के नहीं रख दिया या कोई और चीज़ छुपा कर तो नहीं, यानी उसको शक की नज़रों से देखना। और वो कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती थी कि किसी तरह से शाको अन्ना को, दाया को घर से निकाल लिया जाए। तो आखिरकार वो अपने हरबे में किसी तरह कामयाब हो जाती हैं और कामयाबी उनको इस तरह मिलती है कि एक बार ऐसा हुआ कि दाया को बाज़ार भेजा किसी सामान का ख़रीदने के लिए, जब वो घर से निकल कर नुक्कड़ से होते ये बाज़ार में पहुँची तो वहाँ देखा 2 औरतें जो कुंजड़नी थी यानी कुंजड़ों की बीवियाँ थीं, वो आपस में लड़ाई कर रही थीं। और उस लड़ाई में उसको इतनी, और भी लोग वहाँ जमात थे, उस लड़ाई में इसको इतनी दिलचस्पी आई कि वो भूल ही गई जो है कि हमें सामान लेके घर जाना है। अब जब वो उसको जब 9 बजा घड़े की सोई आवाज़ में अलार्म बजा तो उसके एहसास हुआ कि नहीं जाना चाहिए और उसको दफ्तर भी जाना है उनको साबिर हुसैन को, तो वो भागी भागी वहाँ पहुँची जो
उसके बाद हुआ कि फिर अब तुम शाकरा तो भरी बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, उनको एक बहाना मिल गया। उसके बाद पुरुष कह बैठी भाई कहाँ रह गई, क्या हुआ, क्यों इतनी देर हुई, वही उनको एक बहाना मिल जाता है उसको, तो तू मैं होती है, तकरार होती है, बातचीत आगे बढ़ती है और शाकरा वो घर छोड़ कर, वो शाकरा नहीं दाया घर छोड़ कर चली जाती है। अब दाया जब घर छोड़ कर चली जाती है तो उनका बेटा नसीर जो बहुत घुला मिला रहता है, हर वक्त उनका ख्याल करती थी, अपने बेटे नसीर का खाना खिलाना, दूध पिलाना, निगरानी करना, खिलौने देना, मिठाई खिलाना वगैरह वगैरह, यानी हर तरह से उसकी। जब दाया चली जाती है तो नसीर को बहुत तकलीफ होती है, वो नहीं चाहता कि दाया घर से जाए। तो यहाँ बच्चे की नफसियात दिखलाई गई है कि दाया की गैर मौजूदगी में बच्चा किसी तरह धीरे धीरे जो है वो खामोश हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसे शदीद खांसी भी हो जाती है, बुखार भी हो जाता है और वो दाया की गैर मौजूदगी में अपना बीमार पड़ जाता है। अब फिक्र ये होती है दोनों को, साबिर हुसैन को भी, शाकरा को भी, इसका क्या कैसे किया जाए। तो साबरा शाकरा अपने शौहर साबिर हुसैन से कहती हैं कि इसको किसी बड़े हकीम को दिखलाइए जो है, ताकि इसका इलाज हो सके। तो उनके शौहर जवाब देते हैं कि बड़े हकीम के अगर हकीम लुकमान भी जाए तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, जो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते। तो हकीम लुकमान आप तौर पर हम अपनी गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े हकीम थे और उनके बारे में आमतौर पर मशहूर है कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे जंगल में या कहीं भी, तो जड़ी बूटियाँ उनसे खुद अपनी तारीफ बताती थी, उनसे बात करती थी, वजह से वो उनकी खूबियाँ लिख लेते थे और उसकी तारीफ बताई, ये उनकी खूबी थी हकीम लुकमान की। तो हकीम लुकमान हमारे माशरे का, हमारे समाज का एक अहम जो है समझिए कि एक इस्तियारा बन गया जो है हिकमत का और इस तरह के बड़ाई का। तो जब उन साबिर हुसैन ने यह कहा कि अगर हकीम लुकमान भी आया तो इलाज नहीं कर सकते, उनकी नज़र में नसीर का इलाज यही है कि दाया किसी तरह घर वापस आ जाए। लेकिन चूंकि दाया तो की कोई कोई गलती नहीं थी, गलती तो शाकरा थी कि थी, उसको निकालना चाहती थी, बहाने तलाश की और कामयाब हो गई, उसको घर से निकाल दिया। तो इस तरह से जब वो नसीर बीमार पड़ गया, देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, तो दोनों को फिक्र हुई, शाकिरा को भी और साबिर को, यानी मियाँ बीवी दोनों को फिक्र हुई कि क्या करें, कैसे इसको मिलाया जाए। तो जब देखा कि तुम आपस में मशवरा हुआ, तो अच्छा बीवी भी ये चाहती थी कि मैं खुद जाऊँ, लेकिन वो अपने किए पे शर्मिंदा थी, इस वजह से जबान नहीं खोल रही थी। जब साबिर हुसैन ने कहा कि मैं खुद लाऊंगा, तुम रहने दो, तुम्हें देखे, अगर देखे लेगी तो हो सकता है उसका पारा और चढ़ जाए, अगर आना भी चाहे तो ना आ सके जो है, तो मैं जाऊँ। लेकिन जब उसको किसी तरह उसके घर का पता लगा के वहाँ पहुँचे जो है महल्ले में, तो उसी ज़माने में वहाँ लोग हज का ज़माना आ गया, हज की तैयारी पे थे लोग, तो इसके भी ख्याल आ, चूँकि ये जो दाया नाम था इसका नाम अब्बासी था, लेकिन वो अफसाने के बाद अफसाना ख़त्म हो जाता है, बहुत बाद में खुलता है कि इसका नाम अब्बासी है। तो अब्बासी घर पे अकेली थी, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था उसका रोस्कन, और जब नसीर के यहाँ काम करती थी साबिर हुसैन के यहाँ, तो उसके दिलचस्पी की खास वजह उसका बेटा नसीर था, उससे इतना घुल मिल गए थे कि बगैर उसके चैनी नहीं आता था। और वो जब घर पर पहुँची, रहने लगी वहाँ पर, उसी ज़माने में हज का ज़माना आ गया, लेकिन फिर भी उसको बार बार ख्याल आ जाता था किसी तरह मैं एक नज़र नसीर को देख लूँ, बच्चे को देख लूँ, हो सकता मैं, मेरे लिए वो भी तड़पता होगा, मैं तो तड़पती ही हूँ, कभी आधे रास्ते से वापस आ जाती थी कि नहीं मुनासिब नहीं है, कभी पौन रास्ते से गई वापस आ गई। तो बहरहाल उसको उसी ज़माने में, जब हज का ज़माना है, तो जहाँ महल्ले के और लोग जा रहे थे उसने भी हज की तैयारी शुरू कर ली। और जब ये वह जिस दिन हज पर जा रही थी गाड़ी में बैठी हुई है, उसी दिन इत्तेफाक से साबिर हुसैन उसके घर पहुँचे, पता चला कि वो रेलवे स्टेशन पर है, और रेलवे स्टेशन पर कौन दिखलाया है, दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इसका मतलब ये कहानी जो लिखी गई है वो इसी माहौल में कहीं आसपास के लिखी गई है, इसी यानी हमारे आसपास, बिल्कुल आसपास का इलाका, जो कि तो जब देखा कि वो अच्छा गाड़ी में बैठे हुए, भीड़ बहुत होती है उसमें, एक आदमी किसी को पहचाने, खास पहचान बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चूंकि वहाँ दाया जो थी यानी अब्बासी, उसने साबिर हुसैन को पहचान लिया और फौरन आ गई, उतर के बातचीत करने लगी। तो उसने पूछा कि नसीर कैसा है, उसने कहा भी नसीर की अब क्या पूछते हो, तुम हज करने जा रहे हो, तो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे वगैरह वगैरह, लेकिन उसको फिक्र कोई नहीं, कोई ख़ास बात ऐसी है तो नहीं, दाया अब यह है बोल नहीं रहा, आँखें बंद कर ली है वगैरह वगैरह। तो दाया को बड़ी फिक्र हुई अब्बासी को, अब्बासी ने क्या किया कि अपना सामान जो है गाड़ी से उतरवा लिया और कुली किया, और कुली करके सीधा एक्का किया, एक्का करके दोनों साबिर हुसैन और दाया
यहाँ इसके घर आगे अपने घर आगे साबिर हुसैन उसको ले आए, लेकिन वो घर में बहुत डरते डरते जाती, चूंकि शाकरा से उसकी झड़प हो चुकी है, निकाल दिया है, अब क्या मुँह लेकर जाए। तो वो अब्बासी उस घर में बहुत एहतियात से जाती है, डरते जाती है, जाए देखा कि उसका बच्चा नसीर उसकी माँ की गोद में यानी शाकरा की गोद में लेटा लिपटा है और आँखें बंद की हुई है। वो किसी तरह हिम्मत करके शाकरा की गोद से अब बच्चा अपनी गोद में ले लेती है, उसको पुकारती है, उसके नाम से पुकारती है, आवाज़ देती है। थोड़ी देर बाद बच्चे की आँखें खुल जाती हैं और वो आवाज़ से पहचान जाता है। बहुत जब आँखें खुलती है नसीर की तो अब्बासी को बहुत गौर से देखता है, गौर से देखने के बाद वो कहता है, जब पहचान लेता है तो कहता है कि अन्नाई अन्नाई। तब धीरे धीरे उसकी तबीयत जो है ठीक होने लगती है, संभलती है और फिर वो खेलने लगता है। एक दिन जो है साबिर हुसैन अपने बच्चे से कहते हैं कि अन्ना को घर भेज दें, तो कहते हैं नहीं नहीं घर भेजिए, घर मत भेजिए, रोएगी वो। तो फिर साबिर हुसैन वो अब्बासी कहती है कि तुमने तो मेरा हज भी रुकवा लिया, मैं हज करने जा रही थी। तो साबिर हुसैन अब जो शौहर हैं, जो सरपरस्त हैं घर के, वो जवाब देते हैं कि नहीं, आपको हज का सवाब भी मिलेगा और क्योंकि आपने बच्चे के लिए ये कुर्बानी दी है तो आपको इसका भी सवाब मिलेगा, आपको हज अकबर का सवाब मिलेगा। अब यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी का असल पहलू जो इसमें यह है कि एक अगर कहीं किसी की दिलदारी करनी है, कोई तकलीफ़ में है, परेशान है, बीमार है या ज़रूरतमंद है कोई, तो हमारे यहाँ मजहबी रसूम जो है यानी मज़हब इतना अहम नहीं हो जाता, बल्कि अपने आपात पड़ोस में देखना है कि कौन ज़रूरतमंद है, किस उसकी ज़रूरत पूरी करें। अगर किसी की जान बच रही है हमारी कुर्बानी से जान बचा लें, कोई हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, किसी की शादी ब्याह होना है तो अपना पैसा उसके यहाँ दे दें। तो नियत तो हमने हज की है, उसका तो सवाब मिलेगा चूँकि हम नियत कर चुके हैं, लेकिन अगर आयन वक्त पे वही पैसा किसी दूसरे ज़रूरतमंद के काम आ जाए, उसमें कोई मज़हब की कैद नहीं है, उसमें ना तो हिंदुओं की कैद है, ना कोई मुस्लिम की कैद है, ना इससे ईसाई पारसी किसी मज़हब की कैद नहीं है, वहाँ सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है कि इंसानियत की बिना पर एक आप एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करें। तो वही मदद का जज्बा प्रेमचंद ने यहाँ दिखलाया है कि अब्बासी का ने जो मदद की है, अपना हज का इरादा तर कर दिया, एक बच्चे की जान बचा ली। और इसमें एक पहलू यह भी जो टेक्निक इस्तेमाल की है प्रेमचंद ने कि गाड़ी बहुत देर से रुकी हुई नहीं थी, चल नहीं रही थी, तो वो और लोग गर्मी का जमाना पंखे भी जल रहे हैं गाड़ी में बैठ के जो है, और वो कहती है कि ये गाड़ी वाले ये प्लेटफार्म वाले क्या कर रहे हैं यहाँ जो है स्टेशन मास्टर, ये क्यों इधर उधर घूम रहे हैं फालतू के, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं। यानी अगर गाड़ी वक्त पे चल जाती तो जाहिर बात है साबिर हुसैन की मुलाकात अब्बासी से ना होती। तो लेकिन एक टेक्निक देखिए अफसाना निगार ने किस तरह से जो है गाड़ी को देर में चलाकर दिखलाना, दोनों की मुलाकात करा दी है, अब्बासी घर आ गई और नसीर ठीक हो गए। अब ये तो कहानी का प्लाट है जो हमने बताया अभी तक, कहानी का प्लाट है। असल चीज़ ये होती है किसी कहानी को लिखते वक्त कई चीज़ें काम करती हैं। कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी है, हज अकबर कोई भी कहानी या अफसाना नावल लिखा जाए तो उसमें कई बातों का ख्याल करना होता है। सबसे अहम चीज़ यह है कि एक प्लाट होता है, कहानी का प्लाट, यानी जिस तरह से हमें एक मकान बनाने के लिए किसी ज़मीन की ज़रूरत होती है, जो प्लाट जिसको हम कहते हैं, तभी हमारा मकान बनता है, उस मकान में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमरे निकलवाते हैं, जो कुछ बनाते हैं वो सब है। तो एक अफसाना लिखने के लिए भी इसी तरह प्लाट की ज़रूरत होती है। तो अफसाने का प्लाट कैसे बनता है, उसमें मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जब माहौल होता है उस कहानी को जोड़ कर जो है वो प्लाट बनते हैं, वाकयात को जोड़ कर प्लाट बनते हैं, और उसमें एक बाकायदा एक प्रोग्रेस होती है, यानी उसमें वाकयात तो होते हैं लेकिन अगला वाकया पिछले वाक्य का लाजमी और मंतकी नतीजा हो, ऐसा ना हो कि दो अलग अलग वाक्य हो गए और दोनों में कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ईएम फॉरेस्टर ने एक किताब लिखी है नावल का फ़न, आर्ट्स ऑफ नावल, उसमें एक मिसाल देता है कि एक बादशाह मर गया, एक वाकया हो गया, कुछ दिन बाद मलका मर गई, बीवी मर गई, दूसरा वाकया हो गया, तो ये दो अलग अलग वाक्य हो गए, लेकिन इन वाक्य में रब्त पैदा करने के लिए उसने कहा कि बादशाह मर गया और कुछ दिन बाद बादशाह के गम में उसकी मलका यानी बीवी का भी इंतकाल हो गया, तो इन दोनों वाक्य में एक तालमेल पैदा हो गया।
तो इसी तरह इस कहानी में हमको तालमेल पैदा करने की ज़रूरत होती है। जो अच्छे अफसाना निगार होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ तक तालमेल कैसे बन दिया जाए, किस तरह हम उसको पहले लिखें, वाक्यात को बाद में लिखें, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है किसको। तो आप देखिए कि नसीर की इसमें जो एक वाक्या ऐसा है, जब वो अब्बासी घर से निकलती सामान लेने के लिए, थोड़ी देर का मंजर है वो, 15-20 लाइनों का एक जो है पैराग्राफ है, लेकिन उस वाक्य से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अगर वहाँ वह अब्बासी न रुकती, सीधे सामान लेके चली जाती, तो जाहिर बात है शाकरा को ना तो गुस्सा आता, ना तो तू मैं होती, ना तो उसे घर से निकालती। लेकिन उसी एक वाक्य से उसको घर से निकलने की वजह बन गई, और जब घर से निकलने की वजह बनी तो वो वजह सबसे बड़ी नसीर की तबीयत के ख़राब होने की वजह। तो आप देखिए किस तरह से जो है एक वाक्या दूसरे वाक्य से बढ़त मिलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो इसको प्लाट कहते हैं। तो प्लाट की बड़ी अहमियत है। इसका जो मौजू है वो समाजी हैसियत से, हमने आपको बताया कि समाजी हैसियत भी है, इसकी मजहबी हैसियत भी है। समाजी हैसियत यह है कि हमें अपने इर्द गिर्द किसी इंसान को अगर हम तकलीफ में देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद ये नहीं देखे कि वह हमारी कौम का है, हमारे मजहब का है तभी हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बगैर मजहब देखे, बगैर कौम देखे, इंसानियत की बिना पर कोई भी हो, ये दर्स दी मिलता है कि हम इंसान की मदद करें। इसका मजहबी पहलू ये है कि एक अहम काम के लिए जो पैसा बचा कर रखा था बासी ने, लोग बचा कर रखते हैं कि भाई हम इस काम के लिए जाएंगे, हज करने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फला जाएंगे, तीर्थ पे जाएंगे, तो वो पैसा हो सकता है कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया, बड़ी मेहनत से जमा किया है, और आप ये सोचते हैं अगर हमने ये पैसा वहाँ नहीं दूसरे पर खर्च कर दिया तो हम कैसे हज करेंगे, तीर्थ पर कैसे जाएँ, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन अगर वही पैसा किसी ज़रूरतमंद के लिए काम आ जाए, और ऐसा ज़रूरत में जिससे उसकी जान बच सकती है, आपकी कुर्बानी से उसका फायदा हो सकता है, तो ये बहुत अहम है कि एक इसके एक कई एस्पेक्ट पे से एक बात हो सकती है इस कहानी पे जो है। तो इसका जो है मौजू तो ये समाजी भी हैसियत है, मजहबी हैसियत भी है, और एक इंसानियत से जुड़ा हुआ इसमें वैलूद जो है, वो वैलूद इसमें बहुत काम कर रही है कि हमें इंसान को इंसान से हमदर्दी होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और इंसानियत की बिना पर ही किसी की हम मदद कर सकते हैं। अब आइए इसमें जो है अफसाने में, बिल्कुल 5 मिनट का समय अभी शेष है हमारे पास इस सत्र। अच्छा किरदार इसमें देखिए, शाकरा का किरदार है जो उसके साबिर हुसैन की बीवी हैं, उसका किरदार सामने आ गया कि वो बात बात पे शक करती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती है, तो उसकी गैरत को ललकारती है। तो अब किरदार एक तो साबिर हुसैन वो एक बहुत क्या कहते हैं मुतहम्मिल रहम दिल आदमी है, नेक दिल आदमी है। किरदारों के बारे में जब हम अफसाना पढ़ें, कोई भी कहानी पढ़ें, तो यह खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि किरदार दो तरह के होते हैं। एक टाइप्ड किरदार होते हैं यानी सपा किरदार, उनमें शुरू से आखिर तक कोई तब्दीली नहीं होती जो है। एक किरदार होते हैं पेचीदा किरदार होते हैं या टाइप्ड किरदार कहते हैं, उनमें वक्त के लिहाज से, मौके के लिहाज से, वाकयात के लिहाज से तब्दीली हो जाती है। इस कहानी में अगर हम अब्बासी का किरदार देखें, करेक्टर देखें, तो एक पेचीदा किरदार है, टाइप किरदार है। वो बच्चे को खिलाती भी है, सामान भी लाती है घर से, उनकी दिलदारी भी करती है, खिदमत भी करती है, और मौका पड़ता है हज के लिए भी जाती है, और जब हज उसका नहीं के जब ये साबिर हुसैन से मुलाकात होती है, लेने जाते हैं, तो वापस आ जाती है। यानी अपने मौका महल के हिसाब से वो अपने आप को अफसाने में ढाल लेती है, खुद को तब्दील कर लेती है, और उसकी ये तब्दीली जो है इंसानियत की बिना पर है। तो ये टाइप के किरदार हैं, और ये सॉरी ये वो राउंड करेक्टर है, पेचीदा किरदार है। टाइप करदे जैसा कि हमने कहा कि साबिर हुसैन है, साबिर का मतलब होता है सब्र करने वाले। तो साबिर साहब हमेशा पूरे अफसाने में देखिए कि बड़े सब्र से काम ले रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं, कहीं लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, ना तो अब्बासी को बुरा भला कहते हैं, ना तो अपनी बेगम से उलझते हैं। लेकिन साथ ही सर उन्हें लोगों की भी फिक्र थी। हाँ, फिक्र थी, आमदनी कम थी, खर्चा ज्यादा था। तो बस एक हैसियत होती ना समाजी हैसियत हमारी, हम भले कर्जदार हो जाए, कर्जा ले लेके, लेकिन समाजी हैसियत बरकरार रखना है। इसी तरीके कहा गया कि आदमी को कनाट पसंद होना चाहिए, जितना आपकी आमदनी है, बल्कि उसमें तो कुछ बचा कर ही रखिए अगर इमरजेंसी में कुछ काम आना हो। तो इसमें साबिर हुसैन जो है बहुत अहम है कि वो ना तो बीवी से लड़ते हैं, ना वो तो बासी को गलत कहते हैं, बल्कि समझाते ही हैं। तो उनके यहाँ समझाते भी हैं, समझौता भी करते हैं, और झल्लाते भी नहीं। तो ये कई चीज़ें, इसी तरह आप देखिए कि जो है किरदार नसीर का, बच्चे की नफ्सियात यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से पेश की है। नसीर जब वो अब्बासी चली जाती है, तो नसीर किस तरह से अपने आप को बीमार कर लेता है, सोचता है, और उसकी गैर मौजूदगी में जहाँ वो रहती है उसको खमार पानी ले जाता है, दूध ले जाता है, खाना ले जाता है, अब्बासी खाना खाइए, अन्ना खाना खाइए। अच्छा एक बात और इसमें है कि अब्बासी का जो असल नाम है उसको प्रेमचंद ने 5 नाम दिया है, एक करेक्टर को
पांच नामों से, लेकिन अब्बासी जो है वो आखिर में ये खुलता है। सबसे पहला नाम उसको दाया कहा, तो दूसरा नाम उसको बुढ़िया कहा, चूंकि वो उम्र दराज है, ज्यादा उम्र, तो उसको बुढ़िया कह दिया। नसीर उसको अन्ना कहता है, अन्ना अन्ना वो कहीं नहीं कहता, अन्ना सिर्फ नसीर कहता है। और मामा जो है उसकी बेगम ने कहा, उनकी मामा आएगी, मामा ऐसी है वैसी है, तुम्हारी जैसी मामा है तो गली कूचे फिरती है, तो ये। लेकिन बाद में उसका नाम अब्बासी है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के जरिए उसका अलग अलग नाम रखा गया। तो इस तरह से वो जो किरदार होता है अपने मौके महल के अतबार से कैसे बदलता है, किस तरह हालात में अपने को ढाल लेता है, कहानी पढ़ते वक्त कोई भी कहानी हम पढ़ें अपने आप को खुद इसी तरह हमें देखना चाहिए उस कहानी को समझने के लिए। इसी तरह टेक्निक इसकी देखी है, इसकी टेक्निक बयानियाँ हैं, नैरेटिव है, बयानियाँ शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे मुकालमे इसमें शुरू आते हैं, डायलाग शुरू हो जाते हैं, मुकालमाती टेक्निक भी, अफसाने में कई टेक्निक इस्तेमाल होती है, बयानियाँ भी होती है, मुकालमाती भी होती है, कभी कभी खुद कलामी यानी खुद से बात करते हैं, और कभी कभी एक फ्लैशबैक टेक्निक होती है, वाक़ सब पहले हो चुका है लेकिन बयान उसका बाद में शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़, अहम चीज़ इसकी ज़बान है, ज़बान और बयान पे बहुत गुफ्तगु हो सकती थी। जब आप अफसाना पढ़ें, तालिब इल्मों से हमारी ये दरख्वास्त है कि कोई भी हम सिंफ लिखते हैं, कोई भी जब एक तकलीफ़ होती है तो ज़बान का बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो नावल हो, अफसाना हो, खाका हो, मिनशाइया हो, सवान उम्री हो या शायरी हो, बगैर ज़बान के ना तो हम बात कर सकते हैं ना तो कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो कौन सी ज़बान की चीज़ लिखने के लिए, किस सिंफ के लिए कैसी ज़बान इस्तेमाल करनी है, इस पर गौर कीजिए। तो प्रेमचंद को पढ़ने के लिए हम इनको ज़बान का जादूगर कहते हैं, और ज़बान के जादूगर यानी मौके महल के अतबार से प्रेमचंद के यहाँ किस तरह ज़बान बदलती है, कितने खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसमें किस तरह इमोशंस यानी जज्बात का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम इस तरह किसी भी कहानी को पढ़ें तो हमें बहुत सारे पहलुओं पर गौर करना चाहिए। पलाट पर गौर करें, किरदार पर गौर करें, टेक्निक पर गौर करें, ज़बान पर गौर करें, और जो उसका मौजू है उसका जब हमारे माशरे थीम से क्या ताल्लुक है। तो हम समझते हैं कि ये कहानी पर इतनी गुफ्तगु आज की और हमारे सभी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने उन्हें समझाया हज अकबर का मतलब, इसके मायने, और साथ ही इससे हमें ये भी समझ आता है कि हज की भी अहमियत है, पर उससे ज़्यादा अहमियत, किसी भी तीर्थ यात्रा से ज़्यादा अहमियत मुझे लगता है कि किसी की मदद करने की है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका भी शुक्रिया, बच्चों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी नाज़रीन हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े थे, मुझे लगता है कि ये पूरा सबक आपको आसानी से समझ आ गया होगा, परंतु फिर भी आपके ऐसे कोई प्रश्न हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर हमें कॉल करके भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, बने रहिए PM E-Vidya चैनल्स के साथ। आदाब।